हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह, सोचे समझे बगैर हम कहें ना हस्बी अल्लाह, बस अल्लाह मेरा मेरे लिए काफी है, अल्लाह काफी हो जाता है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे दोस्तों ये वो दुआ है जो दिन में अगर कोई 7 मर्तबा शुरू में और 7 मर्तबा शाम में इस दुआ को पढ़ ले पूरे दिन के लिए, और ये वो वाहिद दुआ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरा कोई उम्मती अगर ध्यान के बगैर भी पढ़ेगा अल्लाह सारा दिन उसके साथ हो जाएंगे। हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे साथ। कभी अकेले में बैठना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग के फिर थोड़ी देर में दिल को एक तस्कीन होगी, 2 आंसू निकलेंगे, समझ जाना अल्लाह ने खुश होके माफ कर दिया। फिर कहना आंखें बंद करके हस्बी अल्लाह, फिर मुझे फिर याद करना कि भाई ने कहा था ये बात, सारी दुनिया का मजा एक तरफ, ये जो 2 बोल तुम बोलोगे हस्बी अल्लाह, अल्लाह ऐसा सुकून दिल में देंगे कि तुम कहोगे दुनिया की दौलत भी इसके आगे ही चल। हस्बी अल्लाह। तो हमारा मसला नेकियां करना नहीं है, नेकियां तो हैं, देखो कितना बड़ा मजमा आ गया जुमा पढ़ने के लिए, बाहर भी कितने बैठे हैं। हमारा मसला नेकियां करना नहीं है, हमारा मसला बुराई से बचना है। बुराई से नहीं बचा जाता। बुराई से बचने का क्या मतलब है? क्या गुनाह नहीं होंगे? नहीं, गुनाह होंगे। बुराई से बच मुत्तकी कौन है? वो जो गुनाह नहीं करता? नहीं, मुत्तकी तो वो है जो गुनाह करता है फौरन माफी मांग लेता है, ये मुत्तकी है। गुनाह किया, माफी मांग लो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ हो गया। फिर गुनाह हुआ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर माफ हो गया, या अल्लाह माफ कर दे। करते 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वक्त आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे जब देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं, तू माफी मांग मांग के थक जाएगा, हम माफ करके नहीं थकेंगे। ये तो हम अल्लाह को पहचान